अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरे देखने वाले जहां भी रहे खुश रहें। दो तीन दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बच्चों की वीडियोस तो मैं अपलोड करती रही लेकिन अपनी रूटीन के बारे में कोई व्लॉग अपलोड नहीं की। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, बच्चे को स्कूल भेज दिया है और मैंने सोचा था कि जैसे ही बच्चे को स्कूल भेज दूँ तो मैं मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, लेकिन फिर बिजली चली गई और चोटू भी उठ गया था। मैंने इसे अभी सुलाया है और बिजली भी अभी आ गई है तो मैं मशीन लगा रही हूँ। अभी मैं मशीन में पानी डाल रही हूँ। मैंने तो मशीन लगा लिया है और अभी मैं कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ और अपने लिए किचन भी साफ़ करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, चिकन और तूरी। पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ और फिर मैं बर्तन धोऊँगी। ये देखें कितने सारे बर्तन हैं, मैंने बर्तन धो दिए। अभी मैं सिंक को साफ़ करती हूँ। मैंने बर्तन धो दिए हैं और किचन भी साफ कर लिया है। मैं तो आप लोगों को डिटेल में सब कुछ नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, कैमरा भी साथ में होता है, काम भी करती हूँ। मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। ये है टमाटर और मैंने इसके ऊपर मसाले भी डाल दिए हैं। ये है गोश्त, चिकन, आलू, टमाटर। अभी मैं अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मैं आज खाऊंगी ब्रेड और चाय जो अभी तक बनी नहीं है। ये देखे मेरे एक मशीन कपड़े धुल गए हैं और अब फिर बिजली चली गई है। बिजलियों का बुरा हाल है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और मेरा बेटा भी थोड़ी देर बाद उठता है तो मेरा काम बहुत लेट हो गया है और हमेशा ऐसा ही होता है। बेटा अभी स्कूल से आ गया है और गर्मी से इसका बुरा हाल है तो अभी मैं इसका यूनिफॉर्म चेंज करवाती हूँ, इसे नहाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। चलो चलो यूनिफॉर्म चेंज करो, पहले नहाओ और फिर यूनिफॉर्म चेंज करो, ठीक है? आज मैं तंदूरी रोटी का सालन बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है, जिस जिसने नहीं देखी वो वीडियो वो ज़रूर देखे। ये कल रात को रह गई थी रोटियाँ तो मैंने सोचा कि इसे ज़ाया नहीं करते, इसे सालन बना लेते हैं। अभी दोपहर का 1 बज रहा है और मेरे कपड़े अभी ख़त्म हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अजान भी शुरू हो गई है। अभी मैं कल के लिए आटा गूंथ रही हूँ, शाम को मैं अक्सर भूल जाती हूँ इसलिए बस मैं दोपहर में ही कल के लिए आटा गूंथ लेती हूँ पराठों के लिए।
हमने दोपहर का खाना खा लिया है और बेबी को भी सुला दिया है और अब मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगी। ये थी मेरी आज की रूटीन सुबह से दोपहर तक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल एक नए और फ्रेश व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।